राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नमकीन। नमकीन बनाने के लिए मैंने लिए भीगे हुए चने की दाल, हरी मूंग, मूंगफली का दाना, कच्चा चूड़ा और बेसन में मैंने नमक मिर्च मसाला डालकर अच्छे से मिला कर रख लिए हैं। और थोड़े से मसाले, काला नमक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। चने की दाल को भिगो कर इसका पानी अच्छे से हम सुखा लिए हैं, इसे रात में ही हम भिगोए थे। आप इस तरह से छन्नी में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट तेल में डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं। तो हम तेल में ही डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल में डालने से थोड़ा ज़्यादा भी फ्राई हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से तेल में डालकर हम भीगे हुए सारे दाल को फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। तो दाल हमारा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम भीगे हुए मूंग को फ्राई करेंगे। तो दाल फ्राई हो गया है, भीगे हुए सारे मूंग को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। सारा मूंग चटक जाएगा तेल में डालते ही, चट-चट की आवाज़ होगी और हरा मूंग हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो सारे मूंग को हम इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। उसी तेल में हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। तो मूंग भी हमारा हो गया है चूड़ा, उसके बाद हम चूड़ा को फ्राई कर रहे हैं, तब हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो चूड़ा भी हमारा फ्राई हो गया है, चूड़ा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, डालते ही हो जाता है। अब मूंगफली को भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो मूंगफली भी हमारा हो गया है, आप इसमें और कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। काजू, नारियल भी आप फ्राई कर डाल सकते हैं, मखाना भी डाल सकते हैं। अब बेसन में मैंने नमक मिर्च मसाला मिला कर रखा था, उसका मैं इस तरह से सेव बना लूँगी, सेव बनाने वाले इस मशीन से। इसमें हम सारे बेसन को डाल दिए हैं, इस तरह से घुमा घुमा कर हम सेव बना लेंगे। हम थोड़ा मोटे साइज का सेव बना रहे हैं, आप चाहे तो पतली जाली से पत्ता पतला भी सेव बना सकते हैं। तो सेव को भी छान कर हम निकाल लेंगे नमकीन में डालने के लिए। तो सेव भी हमारा हो गया है, करी पत्ता और लाल मिर्च को भी हम तेल में छान लेंगे। उसके बाद हम सारे मिर्च मसाला को मिला देंगे, हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तो मैंने सारे सेव को बना लिए हैं, अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये भुना फ्राई किया हुआ चूड़ा, फ्राई किए हुए मूंगफली, फ्राई किए हुए हरी मूंग और चना, सारी चीज़ों को हम एक जगह डाल देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है नमकीन, घर का नमकीन बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बनाने में। अब सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। सेव को हल्का सा हाथों से हम तोड़ लेंगे, क्योंकि लच्छे में सेव हैं। तो सेव को तोड़कर भी हम नमकीन के साथ मिला लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अब इसमें काला नमक, सादा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। करी पत्ता को भी हाथों से क्रश कर डाल देंगे। करी पत्ता को भी हम नमकीन के ऊपर डाल दिए हैं, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब एक चम्मच काला नमक डालेंगे, ज़रा सा सादा नमक भी डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, सारा कुछ डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, मसाला आप अपने अनुसार डाल सकते हैं नमकीन में। थोड़ा सा भुना हुआ नारियल भी डाले हैं हम इसमें। ये नमकीन हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब इसे हम एक डब्बे में रख लेंगे। बाज़ार के नमकीन से घर का नमकीन थोड़ा सस्ता ही पड़ता है बनाने से, और अच्छे तेल से आप बना सकते हैं घर में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कॉमेंट